यूनिवर्सिटी में और आज यहाँ पर मेरे साथ होंगे एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट। नहीं होंगे लेकिन थोड़े बहुत जितने भी होंगे हम करेंगे खूब सारी मस्ती, मस्ती का तड़का लगाएंगे। और कौन सा पार्ट होना चाहिए मस्ती का, कौन सा लेक्चर होना चाहिए, कौन से टीचर्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या फ्लेवर्स होने चाहिए, सब बातें हम करेंगे। साथ ही साथ टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और बात उनसे करेंगे कि वो कैसे करते हैं मस्ती, हम क्या अटेंड करते हैं, मस्ती का एक लेक्चर रखते हैं। जी आज मेरा असाइनमेंट करके आए हैं आप पूरा। आप काम की बात नहीं करो, ये किटर-पिटर इधर उधर की बात नहीं चलेगी। पंजाबी वर्ड तो मैंने भी सीख लिया आखिरकार। चंगा, अगर मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू कर दिया तो मुझे पहले दिन में बाहर फेंक दिया जाएगा। पूरे वो क्या कर रहा है पीछे, क्लास के पीछे? यार आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो नॉनसेंस है बिल्कुल ही। गाने होने चाहिए, डांस होना चाहिए। स्वागत है आपका मस्ती की पाठशाला में। मस्ती के मूड में स्टूडेंट्स कुछ लग रहा है, कुछ को हम बना देंगे मस्ती के मूड में। अभी जो इधर से कोई रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा था गर्ल्स का, शायद इनको गाना नहीं आता ये सब, है ना? अच्छा तो आज हम वैसे सब लोग सुरीले गानों का कॉम्पिटिशन करते हैं, हम यहाँ ढूंढेंगे सबसे बेसुरी कौन है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। थोड़ा ज्यादा सुरीला हो गया मुझे लगता है, इतना सुरीला हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे बताओ कि मस्ती कैसे होती है आपके डिपार्टमेंट में, एमटी में मस्ती की? हाँ, जो फुल अटेंडेंस हो हम बहुत मस्ती करते हैं। एक बार खड़े हो जाओ, ये मेरे को अभी तक मैंने जितने भी मस्ती की पाठशाला की है मुझे पहला स्टूडेंट ऐसा मिला है जो कह रहा है कि फुल अटेंडेंस के साथ मस्ती होती है। We keep copying teachers, imitating what the teachers say about us, the way they teach, the way they, I mean, scold us and stuff. और कोई एक ऐसी टीचर जिसकी सबसे ज़्यादा होती है? राहुल सर, our history teacher. She is best in. No, पढ़ाऊंगा तो मैं जो करना है कर। अच्छा ये कौन था? हिस्ट्री टीचर। वालू सर हमको कुछ भी पढ़ा देते हैं। तो लिटरेचर वैसे कैसे टीचर है? वैसे तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं तो उनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट ही है। और पूरे वो क्या कर रहा है पीछे, क्लास के पीछे? खाना खा रहा है। मैं यहाँ टीचर्स को एक बात कहना चाहूंगी कि मैम एंड सर प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि यहाँ पर हमारा हम अगर आपकी एक्टिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं, हमारा ये मतलब नहीं है। तो इट्स जस्ट फन। ओके, नाउ वी हैव गॉट अ टीचर नेम सुनंदा मैम एंड शी इज वेरी स्वीट, वेरी क्यूट एंड शी टीचेस वेरी वेल, शी हैज गॉट एक्सटेंसिव नॉलेज। बट वो जब भी हमें देखती है कॉरिडोर में घूमते हुए, शी इज लाइक चलो चलो अंदर, चलो बाहर, चलो बैठो बैठो। ऑल द होल क्लास इज आई मीन दे आर ऑल सेटल डाउन, सब बैठे होते फिर भी कहती है बैठ जाओ। माना हम सब चुप बैठे रहते फिर भी कहती चुप हो जाओ। उनको कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो कहती है प्लीज चुप हो जाओ, ये वो। चलिए कुछ इस तरह से होती है मस्ती। मस्ती का तड़का थोड़ा सा और लगाते हैं, कुछ और फ्लेवर्स इसमें डालते हैं। और क्या होना चाहिए मस्ती की क्लास? गाने होने चाहिए, डांस होना चाहिए, डांस होना चाहिए। चलो एक टॉपिक और आया डांस, तो अभी किसको रिक्वेस्ट करें, आपको ही मैं रिक्वेस्ट करूं? नहीं, मुझे डांस नहीं आता, मैं गाना गा सकती हूँ। तो डांस हम अफकीरत बहुत अच्छा डांस करती है। ओके चढ़े आ चंदिया ना, मेर मेरा घोड़ी चढ़े
को बिठा के ना स्टूडेंट्स को उनको पढ़ाना चाहिए. नो असाइनमेंट, नो डिपार्टमेंट. ज्यादा फेस्ट होनी चाहिए, पिकनिक होने चाहिए, टूर्स होने चाहिए. अटेंडेंस तो होनी ही नहीं चाहिए. वी वर वेरी वरीड अबाउट ड्रेस कोड, फॉर्मल्स पहनना है, ट्राउजर्स पहनना है, सूट्स पहनना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. सुबह का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और दोपहर जल्दी खत्म हो जाना चाहिए. जिसको जो करना है कर लो, लेकिन लेकिन अगर तुम्हें बहुत सारी छुट्टियां मिल जाएंगी तो तुम सब इकट्ठा होके मस्ती करके कैंपस आ जाएंगे. उसका जुगाड़ यही है, कॉलेज आ जाओ, क्लास ना अटेंड करो. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम इनको कहते हैं आप जाइए, आपको जहाँ जाना है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मस्ती की पाठशाला जारी रहेगी. इसके बाद एमिटी कॉलेज में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक स्टूडेंट ना वो गुस्सा हो गया है, वो रूट के यहाँ पीछे खड़ा हो गया है. मैं उसके पास जाती हूँ, उसका ये कहना था कि उसको एंकरिंग करनी है. तो हाय विनम्र. अच्छा यू रूट हो ना विनम्र, तुम एंकर बन जाओ. I hate tears. राजेश खन्ना और भाइयों और भाइयों की बहनों, हम इधर मैं एंकर बना दिया गया हूँ और मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कुछ ना कुछ करने वाले. मिस्टर अंतरिक्ष, आप क्या करना पसंद करेंगे? आई थिंक मिमिक्री. गब्बर की मिमिक्री हो रही है यहाँ पर भाइयों और भाइयों की बहनों. ओ, कालिया आ जा. अबे ओ कालिया, ओ कालिया, अबे कहाँ गया कालिया? आज में तुम नीचे आज? हाँ, आज मेरे को ऊपर पहाड़ के चढ़ने का बिल्कुल मन नहीं किया. बिल्कुल मन नहीं किया? नहीं. मैं एक बात बता, तूने मेरा मोबाइल फोन चार्ज नहीं कराया? अरे सरदार, वो तो मैं असल में वो बंद था, चार्जिंग वाला ही चला गया. उसने कहा हम गब्बर का सेल नहीं रिचार्ज करेंगे, उसने ठाकुर के हाथ काट दिए. जो कल पैसे लूट के आया था उसे क्या हुआ? 500 रुपए भी नहीं मिले? वो तो सर वो हमने ना बैंक में डिपॉजिट कर 500 रुपए भी बैंक में 500 रुपए भी बैंक में डिपॉजिट कर दिया. तो क्या करता? आपको देता? आप तो पीते कर देते. फिर मैं क्या? अरे तुम्हें वहां से बुलाऊंगा कैसे? मैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा, चोरी करने जाओगे तो मैं कैसे करूं? आवाज दे लेना, मेरी घोड़ी वैसी दौड़ दौड़ के पहुंच जाती है.
घोड़ी का क्या करूंगा, पैसे कैसे आएंगे? अब आप काम की बातें करो, ये किटर पिटर इधर उधर की बातें नहीं चलेगी। हाँ, बहुत तुम्हें पता नहीं है शेयर में कितने पैसे लगा रखे हैं मैंने? शेयर तो वैसे ही गिर रहे हैं, आपकी तो जेब खाली। मुझसे कुछ सीखना था, अब आप अपना वही घिसा पिटा सवाल करेंगे मुझसे? कितने आदमी थे? पूरे दो। बाकी का एक कहाँ गया? उसको मेरी घोड़ी ने दबा दिया। सारे आदमी तूने किराए पे कब लिए? अरे सरदार क्या बताऊँ, कल मैंने एक वो एड छपा क्या दिया कि मुफ्त की दावत है, ये देख के समझ कर आ गया यहाँ पे। 500 रुपए तो है नहीं, खाना कहाँ से खिलाएगी? अरे सरदार उसका इंतजाम हो गया है, ठाकुर के किचन से सब चुरा लिया है। अरे घोड़ों के लिए पैसे नहीं है, तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे? नहीं नहीं सरदार, इनकी बातों पे यकीन मत करिए, ये हमारे बीच में आग लगाने की जरूरत है। आग लगाने तो हम जाके ऐश करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी हाँ भाई और बहनों, अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ग्रुप सॉन्ग बाय द वन एंड ओनली 3 पीपल। आपने देखा यहाँ का पागलपन, अब हम थोड़ा सांस लेंगे, फिर कुछ और प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। प्रोड्यूसर, स्वागत है आपका मस्ती की पाठशाला में। तो स्टूडेंट के साथ मस्ती हो रही है और हम लोग एमिटी में आए और टीचर्स के साथ मस्ती ना हो, क्योंकि यहाँ के टीचर्स भी उतने ही मस्त हैं जितने स्टूडेंट मस्त हैं। हमारे साथ मैम मौजूद हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? मैम कॉलेज दिनों में कितनी मस्ती की? कॉलेज दिनों में बहुत मस्ती करी थी एंड वी कंटिन्यू द ट्रेंड इवन नाउ। और वही आप सिखा रही हैं बच्चों को कि बच्चों को मस्ती कीजिए? या आई मीन सी एजुकेटिंग एंड एंटरटेनिंग इज बोथ टुगेदर। अगर हम पढ़ाते पढ़ाते भी इंजॉय करें क्लास को और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें और वो लोग भी इंजॉय करें, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। बिकॉज उससे आई हैव रियलाइज दैट यू नो व्हेन द चिल्ड्रन आर हैप्पी दे आर एबल टू इम्बाइब मोर यू नो, एंड इफ यू आर टीचिंग इन अ वेरी मोनोटोनस काइंड ऑफ एन एटमॉस्फेयर फिर बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो वो चलता रहता है यू नो। मस्ती प्लस एजुकेशन, इट्स लाइक एडुटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। एडुटेनमेंट बहुत अच्छा वर्ड मैम ने बताया, एडुटेनमेंट बहुत जरूरी है। मैम ये बताइए अपने जमाने में आप कैसे मस्ती किया करती थी, आपका फंडा क्या था मस्ती का? See, I was, we were always very sincere towards our studies. That was the first thing. But at the same time, हम लोगों ने कभी ऐसे नहीं किया कि enjoy नहीं किया. Like, we used to go out for movies. We used to, you know, mimic our teachers like these students were doing right now. कभी bunk करके कोई ऐसी movie देखी जिसपे कभी कभी डांट पड़ गई, कुछ याद आता है? I can't remember a specific incident, but movies हम देखते जरूर थे. बंक करते थे लेकिन पकड़े नहीं गए ऐसे कभी, सो गए कि वर स्मार्ट स्मार्ट इनफ। और उस टाइम की कुछ ऐसी बात जब आप कॉलेज में थी जो कि आपको लगता है कि इस टाइम ज्यादा लिबरल हो गए या ज्यादा लिबर्टी मिल गई? हम लोग हमेशा आजकल बोलते हैं कि आजकल की जनरेशन ये है वो है। आई रियली फील टुडेज जनरेशन इज वेरी वाइज, यू नो दे आर वेरी वाइज अबाउट देयर प्रायोरिटीज। और अगर एक बच्चे को आप थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस कर दो माइल्डली ऑल्सो, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो मुझे ऐसा कोई बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं लगता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल में जरूर चेंज आया है यू नो, बिकॉज इट्स लाइक 7-8 years पहले और अभी की बात में थोड़ा सा डिफरेंस है। आजकल टीचर्स आर मोर यू नो लाइक दे विल आउट ऑफ द वे जाके बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, मतलब हमारे टीचर्स शायद थोड़ा सा डिस्टेंस रखते थे, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करते थे। थैंक यू
यू सो मच मैम. इस तरह के टीचर्स हों तो मुझे लगता है कि बहुत मस्ती होगी और साथ ही साथ पढ़ाई भी अच्छी होगी. स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या मस्ती होती है उनके कैंपस में. साला वो अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निकल गया रूबरू रोशनी रोशनी. तो मैम से हमने बात कर ली. मौजूद है हम लोग एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज में. मुझे कहा गया था स्टूडेंट्स बहुत बदमाश है. बदमाश नहीं लेकिन ठीक ठाक है स्टूडेंट्स, बल्कि मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे हैं. और मैम आ रहे नहीं, सर है, सर मैम है, सर है, एक बार मैं चेक कर लूं. ये मैम है, सर है. हेलो मैडम, मेरे क्लास लेने का टाइम है, प्लीज जाइए. आई एम सो सॉरी मैम, मैं भी सॉरी. तो प्लीज आउट ऑफ द क्लास सर. मैं वहां बैठ, प्लीज गो टू डिटेंशन सर. मुझे देखना है कि आप कैसे पढ़ाते हैं. अच्छा एक्सचेंज स्टूडेंट. ओके ओके पुत्र, आज हम पहले अटेंडेंस लेंगे. मैक एंड अवकीरत, मिस करिश्मा नकवी. ओ हेलो हेलो हेलो. और नेहा शर्मा, मिस्टर रोहन घोष चौधरी, मिस अमृता. आप इसी क्लास की हैं? कहाँ थे आप? अब सर पढ़ने का मन नहीं करता, अभी शॉपिंग वॉपिंग करने गई थी मैं अगले दिन. सुबह 9 बजे कौन सा शोरूम खुलता है मुझे भी बताओ यार. सर वो फर्स्ट शो देख के फ्रेंड्स के साथ, फिर शॉपिंग करके मैकडी में बर्गर खा के फिर आ गई हूं वापस. चलो तो ऐसा करते हैं, कल से आपकी मैकडी में लगवाते हैं अटेंडेंस. ठीक है जी. चलो हाँ जी. मिस नेहा पुरी. हेलो जी. आज मेरा असाइनमेंट करके आए हैं आप पूरा. मिस पल्लवी एंड साक्षी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है? ये चॉकलेट खा रहे हैं? ये कोई चॉकलेट खाने का पीरियड है? हैं? आप सुन नहीं करते यार. अच्छा कल नहीं ले आना ना यार. ठीक है, अच्छी है, थोड़ी चीनी कम है. चीनी कम है, चीनी कम. गुड गुड यार, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो नॉनसेंस है बिल्कुल ही. और बस तो ठीक है, अटेंडेंस हो गई, क्लास खुल. चलो यार मस्ती की पाठशाला में आज के लिए फिलहाल इतना ही. हमारे ये स्टूडेंट थे जो टीचर बने थे. एक बार चीनी पूरी कर ली जाए. रबर बैंड लगा लो जरा. यार रबर बैंड है किसी के पास? रबर बैंड है गर्ल्स. सर देखिए ना, मैचिंग मैचिंग है अब तो. Combination is good. तो फिलहाल मस्ती की पाठशाला में इतना ही. कैसी लगी आपको हमारी पाठशाला में जरूर लिखिएगा. और अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, विनम्र की तरह एंकर बनना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं tat@aajtak.com पर. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत. और आप क्या करें, क्या ये लोग करें, क्या क्या करें, क्या करना चाहिए? अभी नभी आप हमारे साथ चलिए, बाकी की कॉलेज की मस्ती देखिए. और हम आपको ब्रेक के बाद नहीं मिलेंगे क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो गया है. तो चलते हैं और आप कीजिए मस्ती.